नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने गूगल पे के थ्रू अब अपने बिजली का बिल कैसे भर सकते हो। मैंने यहाँ पर डिटेल्स में बताने वाला हूँ, वीडियो का आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो अभी जाके आपको पता चलेगा। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है गूगल पे, अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रखा हूँ, क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपको यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जी पे, तो क्या करना है इसको पहले ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने 4 डिजिट पिन फिल करना है। पिन फिल करने के बाद यहाँ पर कॉन्फर्म दिखाई दे रहा है, कॉन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इसी तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यू पेमेंट, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इसी तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऊपर साइड में दिखाई दे रहा है बिल पेमेंट, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इसी तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो इंडिया में जितना भी बिजली विभाग की कंपनी है वो आपको यहां पर दिखाई देगा। अब यहां पर देख सकते हो अपने हिसाब से आपको यहां पर चूज कर लेना है। अगर आपको यहां पर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन दिया गया, तो क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक करना है। सपोज मान लीजिए अगर आप यूपी से बिजली बिल पेमेंट करने चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यूपी टाइप करना है। यूपी में जितना भी कंपनी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैंने यहाँ पर वेस्ट बंगाल से भरने चाहता हूँ तो क्या करना है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल WB फिल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो भी कंपनी है वो आपको यहाँ पर इसी तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर एक ही कंपनी है, इस वजह से यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा है, तो क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है गेट स्टार्ट, तो क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले अपने कस्टमर ID फिल करना है, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद क्या करना है अकाउंट नाम, जिस नाम पे बिजली बिल है उसी का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने सारे कुछ यहाँ पर फिल कर चुका हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है लिंक अकाउंट, तो हमें क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है, आपको यहाँ पर एक बार डिटेल्स चेक कर लेना है कहीं गलत ना हो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है लिंक अकाउंट, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट बार आपको यहाँ पर लिंक करना ही है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है लिंक अकाउंट, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है, कोई जल्दीबाजी यहाँ पर नहीं करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे जितना भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपके जो भी अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है पे बिल, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाई देता हूँ, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पे बिल, तो हमें क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा अपने अमाउंट, यहाँ पर अपने कस्टमर ID दिखाई देगा, उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट दिखाई देगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है पे, तो हमें क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने 4 डिजिट पिन यहाँ पर फिल करना है। पिन फिल करने के बाद यहाँ पर ओके दिखाई दे रहा है, ओके में क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर बिजली बिल पेमेंट हो चुका है, बैंक से भी मैसेज यहाँ पर आ चुका है। अगर आप इसका डिटेल्स चेक करने चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेड ऑन, और यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रहा है, तो क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अपने डिटेल्स दिखाई देगा, ट्रांजेक्शन ID आपको मिल जाएगा, अमाउंट आपने कितना पे किया है वो आपको यहाँ पर डिटेल्स में दिखाई देगा। अगर आप बाद में चेक करने चाहते हो कैसे चेक करना है वो भी मैंने आपको बता देता हूँ, तो क्या करना है यहाँ पर फर्स्ट पेज पर आ जाना है। फर्स्ट पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है शो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, तो आपको क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो बिजली बिल पेमेंट हुआ था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कितना पेमेंट हुआ था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, कौन सा अकाउंट से बिल पेमेंट हुआ है वो सारे कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप भी बिल पेमेंट करने चाहते हो इसी तरीके से आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। दोस्तों ये था छोटा जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।